हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स देखिए, ये प्याज के छिलके हैं। प्याज तो हर किसी के घर पे होते हैं, हर रोज़ यूज भी होते हैं, तो हमारे किचन से बहुत सारी ऐसी फ़ायदेमंद कंपोस्ट होती है जो पौधे में बहुत ही फायदे करते हैं। तो ये प्याज आप इकट्ठा कर लें बहुत सारी, जैसे कि हर रोज़ एक दो प्याज कटते हैं तो 10-12 प्याज के छिलके आप इकट्ठा कर लें। इस प्याज के छिलके से बहुत ही फ़ायदे हैं। इस प्याज के छिलके में विटामिन 1 है, विटामिन 2 है, विटामिन 3 है, विटामिन 5 है, विटामिन 6 है, विटामिन 9 है और विटामिन C भी है। इसमें 7 ml इसमें पोटाशियम है और ये बहुत ही फ़ायदा करते हैं पौधों के लिए, बहुत ही फ़ायदा है। इससे इन पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको करना क्या है, एक आप बोतल ले लीजिए या फिर आप कोई बर्तन ले लीजिए, सारे छिलकों को इस तरह से बर्तन में डालें। 48 घंटा या फिर 3 दिन के लिए प्याज को पानी में भिगो कर रखें, इसके कलर पूरा लाल हो जाएंगे। 3 दिन बाद या 2 दिन बाद ढक्कन लगा कर रख दे। उसके बाद आप इस पानी को छान ले। छानने के बाद देखिए ये इस तरह के कलर में आएंगे, ये देखिए। और इस वाले मग से इसने पानी, देखिए 6 मग पानी है। तो ये प्याज के छिलके में रखी थी, आज मैं पौधों में डालूँगी। देखिए एक मग पानी है, एक मग है ये ओनियन पील। तो इसको मैं पानी में डाल दे रही हूँ, देखिए। और इसको मैं मिलाकर हर पौधे में यूज करूँगी। ये पोटास का काम करता है, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए हम इसको हर पौधे में थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी हर पौधे में डालनी है, आप भी इसी तरह से डालें, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। सब में मैं डाल देती हूँ। ये अपराजिता का बेल है और रजनीगंधा भी है। इस पे देखिए ये अलमंडा है, इस पे भी दे देती हूँ। और ये है टिकोमा। ये है हिबिस्कस। थोड़ी थोड़ी सब पौधे में मैं डालूँगी। ये है रोज, हिबिस्कस, बोगनविला, रोज, एक्सजोरा। ये है हिबिस्कस, ये बोगनविला और ये है पोटास। ये है मनी प्लांट। और फ्रेंड्स ये भी है हिबिस्कस की प्लांट, मैंने यहाँ पर लगा कर रखी हूँ। इसे भी डाल देती हूँ थोड़ी थोड़ी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय।